इंदौर में नगर निगम कर्मचारी की पिटाई के मामले पर बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय भले ही कह रहे हों कि बेटा आकाश कच्चा खिलाड़ी है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी संसदीय दल की बैठक में इस मसले पर सख्त तेवर दिखाए हैं। बिना आकाश विजयवर्गीय का नाम लिए पीएम मोदी ने कहा कि बेटा किसी का भी हो, मनमानी नहीं चलेगी। पीएम मोदी ने ये भी कहा कि ऐसे लोगों की पार्टी में कोई जरूरत नहीं है। बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूड़ी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने ये बात बिना किसी का नाम लिए कही। प्रधानमंत्री जी इसके बारे में अभी नहीं, पहले भी बहुत चिंतित रहते हैं, और उन्होंने कहा कि किसी प्रकार का घमंड, किसी प्रकार का दुर्व्यवहार, किसी प्रकार का ऐसा व्यवहार जिससे पार्टी की छवि धूमिल हो, ये पूरी तौर से अस्वीकार्य है और विशेष रूप से जनप्रतिनिधि, और ये किसी एक नहीं सबके लिए लागू होता है। शुरुआत से ही आकाश विजयवर्गीय का समर्थन कर रहे मध्य प्रदेश के आदिवासी नेता और हरसूद से विधायक विजय शाह ने कहा है कि आकाश को एक और मौका मिलना चाहिए। देखिए, जो घटना हुई सबके सामने है, कई बार जो नए बच्चे अपना समझते नहीं है, गुस्से में आकर कोई चीज उठा लेते हैं, मैं समझता हूँ कि उनको मौका देना चाहिए सुधरने। संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी के सख्ती दिखाने के बाद अब मध्य प्रदेश बीजेपी में इस बात को लेकर अटकलें लगनी शुरू हो गई हैं कि क्या जो कुछ प्रधानमंत्री ने संसदीय दल की बैठक में कहा उस पर अमल करने के लिए कदम उठाए जाएंगे। सवाल ये भी है कि आकाश पर कार्रवाई के साथ साथ क्या पार्टी में कैलाश विजयवर्गीय का कद भी कम किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस।